YouTube चैनल मुनिया बासपुर 111 फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए पीछे मेरा भाई, मेरा मामा का बेटा आया हुआ है। कब आए थे? दो दिन पहले, पर आज हम शक्ल दिखा रहे हैं। मैं क्यों आए थे? टोकरी लेने। ऐसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्यों आए थे, क्योंकि ये लोग बिना कोई काम के आते नहीं, कभी घूमने फिरने की, हाँ दीदी कैसी है, थोड़ा देखो, इस काम से नहीं आते, कोई काम पड़ता तभी आते। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, छठ पूजा कल से स्टार्ट है। कल नहाए खाए का रस्म है, नियम है, तो कल से स्टार्ट है। और हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारे पापा जो हैं वो बहुत बीमार हैं। अभी उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं सब लोग, और हमारे यहाँ भी साफ़ सफाई का काम चल रहा है। मेरा भाई टोकरी लेने आया है। ये देखिए भांजी भी आई, मेरी लीजा है। अमां लीजा हाय कर तो बेटा। ये देखिए लिपस्टिक स्टिक लगा के, ये देखिए इसका चेहरा। सुबह से मेरा लिपस्टिक, दो तीन लिपस्टिक बर्बाद कर चुकी है। और वहाँ पे मेरी बहन को देखिए काम कर रही है। हेलो। क्या पहन रखा है देखिए उसको। तो बेचारी वो काम कर रही है, और मैं भी काम करने ही जाऊंगी। और पापा की क्या हालत है? पापा की कंडीशन बहुत ख़राब है। कल रात को 2 बजे हम लोग एकदम से बहुत डर गए थे। 2 बजे रात को उनका ऐसा, एक मैं क्या बोलूँ, वो क्या होता है वैसा कभी देखा नहीं था, जैसे ऐसा रिएक्ट करते कर रहे थे जैसे कि उनको मिर्गी आई हो। पर हालांकि ऐसी कोई बीमारी उनको है नहीं। और वो एक्चुअली, हम लोगों को पता लगा डॉक्टर को कल जब दिखाया, तो नशे की ऐसी लत लग गई है उनको। वो इतने एडिक्टेड हो गए हैं अल्कोहल के कि उनको लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि उनको एडमिट करना पड़ेगा। तो अभी कुछ टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद ही पता लगेगा कि उन्हें यहाँ रखा जाएगा या गुवाहाटी GMCH में हम ले जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अभी भाई गया है, माँ गई हैं साथ, और हम लोग यहाँ पे घर पे हैं। घर पे काम कर रहे हैं, देखिए साफ़ सफाई का काम चल रहा है। ये देखिए कपड़े वगैरह, रज़ाइयाँ वगैरह सब हम लोगों ने धो धा के डाल दिया है सूखने के लिए। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, बहुत काम है। आप लोगों को तो पता ही है छठ पूजा के दौरान कितना काम होता है। मैं भी एकदम, मेरे पास भी इतना मतलब समय नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ, बट ब्लॉग करना भी ज़रूरी है। आखिर ये मेरा काम है, काम करना ज़रूरी है, तो वो मैं कर ही रही हूँ। और आप लोग के साथ शेयर करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे आप सभी की ज़रूरत है, आप सभी की मदद की ज़रूरत है, आप सभी की दुआओं की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे बाबा के लिए आप लोग प्रे कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे बाबा, हम मतलब मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती कि वो हमारे लिए क्या है। मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और जो जिस बीमारी से वो जूझ रहे हैं ना, मैं नहीं चाहती कि दुनिया के किसी भी फादर को, किसी भी इंसान को इस बीमारी से जूझना पड़े। और अगर आप लोग में से कोई भी नशे की एडिक्टेड हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि छोड़ दीजिए ये नशा पानी, कुछ नहीं रखा इसमें। हम लोग तो खुद पागल हो गए हैं बाबा को समझा के, पर उनको पता नहीं क्या है, वो क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं उनको। ये देखिए, ये आईना लेके ब्लॉगिंग कर रही है बेचारी, कब से आईने को मोबाइल के जैसा शेप करके और घूम रही है यहाँ वहाँ। देख रहे हैं आप लोग, कपड़ा धोया आप लोगों ने? नहीं धोया तो आइए साथ में एक साथ धोते हैं। वो देखिए, वो ब्लॉगिंग कर रही है आईने लेके। वो देखिए, ये देखिए, उसको भी ब्लॉगिंग का भूत पकड़ लिया है, बताइए। हेलो गाइस, बोल दो। देख रहे हैं आप लोग, उसे भी मतलब ब्लॉगिंग, ऐसा ब्लॉगिंग का चस्का लगा है कि वो आईना लेके ब्लॉगिंग कर रही है। और यहाँ से, इधर से मेरा भाई क्या पी रहे हो रे? दूध पी रहा। चलिए ठीक है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं बाबा का क्या हालत है। मैं, वो आएंगे तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी, और जो टेस्ट है, जो रिपोर्ट्स है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। अभी 3 बज रहे हैं, और ये देखिए मेरी बेटी जो है चिप्स खा रही है, यही दिखा रही थी आपको। क्या खाता दी? रिंग्स। तो ये रिंग्स खा रही है, और मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि बाबा टेस्ट करवाने के लिए गए हैं, अपना ब्लड टेस्ट वगैरह जो कुछ भी है, तो वो आ चुके हैं। लेकिन रिपोर्ट जो है वो अभी 2-3 घंटे बाद आएगा, तो मैं अभी आप लोग को रिपोर्ट नहीं दिखा सकती क्योंकि रिपोर्ट वगैरह सब वहीं पर है। और अभी जो है, अभी घर में ये चल रहा है कि सिस्टर खाना बना रही है,
और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ पापा को और मेरी मम्मी को कि वो क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं धूप में, इनकी तबीयत मैंने कहा था ना आपको बहुत ख़राब थी। और यहाँ छठ पूजा है, जैसे कि कल नहा खा है, आप लोग को पता ही है नहाए खाए का रस्म है कल, तो ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं तो यहाँ टोकरियाँ बननी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए हमारी माँ जो है टोकरी बनानी स्टार्ट कर दी है। संगे फरा गल बरे माँ आ छोटा छोटा को टोकरी बने नू हम कह दिया हम बनाए, मुझे भी टोकरी बनाना आता है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी जब बनाऊंगी तब। अब पता नहीं ये वीडियो कब तक आप लोग के पास पहुंचेगी, जब पहुंचेगी तब पता चल जाएगी। ये देखिए लगभग हमारा काम भी ख़त्म हो चुका है, जो भी धोना होना था सब धो लिया है, बस अभी पूजा का ही जो काम है वो करना है बस। रिपोर्ट आने में भी काफी समय है, करते करते शाम हो जाएगी और फिर ये वीडियो मुझे अपलोड करते में लेट हो जाएगा, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। जब काबेला इसको देखिए, तो जब रिपोर्ट आ जाएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखा दूंगी क्या है रिपोर्ट का मामला। अभी का वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे और भी काम है, शाम होने वाली, शाम हो ही चुकी है, 5 बजने वाली है और ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे वीडियो आज के आज ही अपलोड करना है। सो अभी का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी का वीडियो जैसा भी लगा हो, अमां कहाँ जाते हैं ना, अभी का वीडियो जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं क्या ही बताऊँ अच्छा क्या लगेगा, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा आज ब्लॉगिंग करके, पर क्या करें काम है करना तो पड़ता ही है। और कल की तैयारी में दिखाऊंगी कल नहाई खाई की रस्म कैसी होती है हमारे यहाँ, तो आप ब्लॉग पे बने रहिएगा हमारे साथ, मतलब मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अभी का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, सो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, जय माता दी, बाय बाय।